तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आप देख रहे हो पीके से पीयूष टेक, और मैं हूं आपके साथ पीयूष। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 अपकमिंग एंड न्यू गेम्स। अपकमिंग जो आने वाले हैं और जो न्यू गेम्स आ चुके हैं मई मंथ में, तो मैं आज उसमें से 10 ऐसे गेम्स बताऊंगा जो आ चुके हैं या आने वाले हैं मई मंथ में। और हमेशा हम लोग इस टाइप का वीडियोज डालते हैं, और अभी मैं डाल रहा हूँ टॉप 10 ट्रेंडिंग गेम्स के ऊपर एक मंथली वीडियो और एक वीकली वीडियो। मतलब वीक में कौन कौन से गेम्स आ रहे हैं नए या ट्रेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स जाके चेक कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो पहला गेम है उसका नाम है ट्रिक टू योमी। तो ये एक गेम है जो 5 मई को रिलीज हो चुका है। मतलब ये एक अपकमिंग गेम नहीं है, ये एक न्यू गेम है जो 5 मई को रिलीज हो चुका है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ये पीसी लैपटॉप हर जगह अवेलेबल है, और ये लो एंड पीसी में भी काम करता है। और ये मतलब एक ऐसा टाइप का गेम है जिसमें आपको शैडो टाइप का मतलब वॉर देखने को मिलेगा, शैडो टाइप फाइट देखने को मिलेगा। मतलब शैडो फाइट आपने बहुत ज्यादा खेला होगा फोन में हो या लैपटॉप में, लेकिन इसमें एक अलग तरीके का शैडो फाइट टाइप का गेम है। इसमें आपको थोड़ा सा रियल ग्राफिक्स और अच्छा वीएफएक्स के साथ शैडो फाइट करने को मिलेगा। बाकी अगर आप इसे चेकआउट करोगे तो आप इसको खुद समझ जाओगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड गेम की ओर। अब हमारा जो सेकंड गेम है उसका नाम है इविल डेड द गेम। तो इविल डेड का मतलब हो गया, यहाँ पे आपको मतलब एक इविल को ज़ॉम्बीज को मारना होता है, और बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हैं आपके पास और वहां पे आपको इविल्स को मारना होता है, कोई एनिमीज होते हैं। जो ये गेम है मई 13 को रिलीज हो चुका है, और इस गेम के बारे में मैं डिटेल में जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा अगर आप एक स्ट्रीमर हो तो आप इस गेम को जरूर चेकआउट कीजिए। स्ट्रीम करते हो तो स्ट्रीम में ये गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, और मैं जहां तक जानता हूँ ये थोड़ा दिन में या एक महीना के अंदर ट्रेंड पे आ ही जाएगा। और मई 13 को ये गेम रिलीज हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा बग्स के कारण ट्रेंड पे नहीं आ रहा है। चलिए हम चलते हैं अब अपने थर्ड गेम की ओर। तो अब हमारा जो थर्ड गेम है उसका नाम है स्नाइपर इलाइट 5। ये गेम है जो 25 मई को रिलीज होने वाला है। जब मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ या इस वीडियो को जब मैं अपलोड करूंगा उसी दिन या उसी के अगला दिन एक दो दिन में उसी टाइम सेशन पे ये मतलब गेम रिलीज होगा। तो जब भी आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ मई 26 को ये गेम रिलीज होने वाला है। और स्नाइपर इलाइट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, तो स्नाइपर इलाइट 5 रिलीज होने वाला है। इसमें आपको जो ज़ॉम्बीज और एनिमीज को मारना जाता है स्नाइपर से, वो उस टाइप का ये गेम है, आपको पता ही होगा। अगर आपको स्नाइपर इलाइट नहीं पता है तो क्या कर रहे हो भाई, अभी जाओ जाके स्नाइपर इलाइट 5 खेलो। बहुत तगड़ा ग्राफिक्स दिया है इस बार इसमें, और बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा शॉट्स भी मिल रहा है, तो जाके इसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने फोर्थ गेम की ओर। अब हमारा जो फोर्थ गेम है उसका नाम है माई टाइम एट सैंड्रॉक। सैंड्रॉक मतलब यहाँ पे आपको एक टाइम बिताना होगा किसी लड़की के साथ, एक कैरेक्टर मिलता है आपको, एक लड़की का आपको एक लड़का का कैरेक्टर मिलेगा, उस पर आपको वक्त बिताना होगा एक प्लेस पे जिसका नाम है सैंड्रॉक। तो वहां पे आपको बहुत सारे टैग्स मिलेंगे, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है। मतलब एक स्टोरी टेलिंग गेम है, ये स्टोरी टाइप का गेम है, तो स्टोरी गेम आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता होगा। स्ट्रीमर हो तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको स्ट्रीम में बहुत ज्यादा देर तक चलने के लिए, या स्ट्रीम में लोग बोर नहीं होंगे और आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट अपने आप मिलते रहेगा। तो ये गेम भी इसी टाइम शेड्यूल में रिलीज होने वाला है मई 26 को। मई 26 को स्नाइपर इलाइट 5 भी रिलीज हुआ और ये वाला भी, तो आप इन दोनों चेकआउट कर सकते हो, स्नाइपर इलाइट 5 और माय टाइम एट सैंड्रॉक। तो अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। और अगर आप स्ट्रीमर हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्ट्रीमिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और अगर ज्वाइन आइकन का पता नहीं है तो ज्वाइन आइकन को क्लिक करके देखिए, और मेरा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने फिफ्थ गेम की ओर। अब हमारा जो फिफ्थ गेम है उसका नाम है सोर्स ऑफ मैडनेस। सोर्स ऑफ मैडनेस मतलब यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जो मतलब बहुत सारे एलियंस या दानवों से, मतलब एलियंस राक्षसों से लड़ेगा अलग अलग लेवल्स पे। अलग अलग लेवल्स में आपको अलग अलग कंपटीशन मिलेगा, अलग अलग चैलेंजेस मिलेंगे और अलग अलग मॉन्स्टर्स मिलेंगे। ये गेम पीसी PS5 PS4 एक्सबॉक्स सीरीज में आ चुका है, एक्सबॉक्स XS सीरीज में आ सकता है, Xbox One में आ चुका है और स्विच में आ चुका है। मैं सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ये सब लिखा हुआ। और ये गेम मई 11 को रिलीज हो चुका है, तो आप अगर इसे चेकआउट करना चाहते हो तो आप इसे आराम से चेकआउट कर सकते हो, ये बहुत अच्छा गेम है। चलिए हम चलते हैं अपने सिक्स्थ गेम की ओर। तो अब हमारा जो सिक्स्थ गेम है उसका नाम है वैम्प
वैम्पायर, वैम्पायर द मास्क्युरेड। थोड़ा सा मैं नाम शायद और या प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, तो इसमें आपको वैम्पायर्स को मारना रहेगा, मतलब वैम्पायर्स को मारना है, वैम्पायर्स बने हुए हो गए आप, सॉरी वैम्पायर्स बने हुए हो गए, आपको मारना होगा, खून उन पीना, मतलब बहुत अलग टाइप का गेम है। इसे मैंने ज्यादा चेकआउट नहीं किया, दोस्तों से थोड़ा थोड़ा पूछा था, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और ये भी पीसी उसी में ही आया हूँ मैं, जहां तक जानता हूँ ये गेम जल्दी ही मोबाइल में आने वाला है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इसका रिलीजिंग डेट जानना है तो इसका रिलीजिंग डेट है मई 19 को ये गेम रिलीज हो चुका है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो बहुत आराम से। और चेकआउट करके मुझे भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड। तो चलिए हम चलते हैं अब अपने सेवंथ गेम की ओर। तो अब हमारा जो सेवंथ नंबर वाला गेम है उसका नाम है डॉलमैन। डॉलमैन अभी एक गेम है जो पीसी PS4 में रिलीज हुआ है। इस गेम के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, इस गेम को रिलीज होके मतलब मई 20 को रिलीज हुआ है ये गेम, मैंने अभी तक खेला नहीं क्योंकि मेरा में कुछ डाउनलोड प्रॉब्लम आ रहा था इसीलिए। और इसमें कुछ फाइटिंग सीन्स है, बहुत अच्छा सा गेम है, मतलब इसका ग्राफिक्स और इसके फोटोज और थोड़ा बहुत एनिमेशन देखा है मैंने ट्रेलर में, मुझे उतना समझ में नहीं आया ये गेम, लेकिन अगर आप इसे चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये भी एक न्यू गेम है जो आ चुका है मार्केट में, डॉलमैन DOLMEN डॉलमैन, और ये पीसी और ये सब में आया एक्सबॉक्स में, तो आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अब हमारा जो 8 नंबर वाला गेम है उसका नाम है हार्ड स्पेस शिप ब्रेकर। हार्ड स्पेस शिप ब्रेकर का मतलब हुआ आपको यहाँ पे मतलब स्पेस में स्पेस गेम है ये, जो अभी तक पीसी में सिर्फ रिलीज हुआ है, ओनली फॉर पीसी, तो पीसी में सिर्फ रिलीज हुआ है। और आप इसको मतलब एक ऐसा गेम मान सकते हो जिसमें आपको शिप्स को बनाना होता है, बिगाड़ना होता है, अपनी शिप्स को बनाना होता है, दूसरों की शिप्स को तोड़ना होता है, उस टाइप का एक गेम है। आपको टीम भी मिलेगी इसके अंदर, आपको एक स्पेस मतलब स्पेस सूट में अंदर में जाना होगा, शिप्स को तोड़ना होगा, बनाना होगा, बहुत ज्यादा मतलब कुछ अलग टाइप का गेम है, स्पेस गेम्स। अगर आपको स्पेस गेम्स पसंद है तो स्पेस गेम्स आपको इसमें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये मई 24 को रिलीज हो चुका है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है ये, तो आप इसको चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। तो अब हमारा जो 9th नंबर वाला गेम है उसका नाम है लाइन वॉर। ये लाइन वॉर अभी पीसी में आया हुआ है, और इसमें आपको क्या मिलता है देखने के लिए कि आपको इसमें अपना कैसल बचाना है दूसरी एनिमीज से, मतलब जैसे एक राजा महाराजा वाला गेम नहीं होता है जिसमें आपको अपना आप अपने राजाओं कोई और राजा आप पे अटैक किया उससे आपको बचाना है, दूसरे राजाओं पे अटैक करके उनकी टेरिटरीज लेनी है, आपको कॉइन्स कलेक्ट करना है, उसमें आपको अपना मतलब कॉइन्स बनाना है, दूसरा अपने टेरिटरी को स्ट्रांग करना है, मतलब टेरिटरी वाला गेम है लाइन वॉर करके। आपको यहाँ पे अपने योद्धाओं और दूसरों के योद्धाओं को भी लड़ाना पड़ेगा। बहुत सॉलिड गेम है, अगर आप चाहते हो, अगर एक सीओसी की जगह कोई अच्छा गेम चाहते हो तो ये बहुत अच्छा गेम है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो तो स्ट्रीमिंग के लिए ये गेम बहुत बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट और 10th नंबर वाले गेम की। ये हमारा जो 10th नंबर वाला गेम है इसकी स्टोरी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें आपको मतलब एक घोस्ट लवर्स का मिलता है आपको, कि उसकी लवर को कोई उठा के ले जाता है, फिर आपको लड़ना पड़ता है, मतलब घोस्ट लवर्स कुछ अच्छा करके है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। अगर आप चाहो तो इसकी स्टोरी लाइन पढ़ सकते हो। इसका नाम है सॉल्ट एंड स्कैरसीफाई करके उसका कुछ नाम है, मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम लिख दूंगा, आप जिसको जाके चेकआउट कर सकते हो। 10th नंबर वाला गेम है ये, और ये जो गेम है अभी तक रिलीज हो चुका है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो बहुत आसानी से। आप एक बार जाके इसको गूगल या प्ले स्टोर पे कहीं, मतलब प्ले स्टोर पे नहीं, ये आपको क्रोम पे मिल जाएगा अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करना चाहते हो तो। और ये आपको जल्द ही फोन में अवेलेबल मिलने वाला है, और ये मई 10 को रिलीज हो चुका है ये गेम, मई 10 को, तो आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, उसमें लैग भी नहीं आ रहा। ये गेम का स्टोरी लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दिया, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम यही एंड करते हैं। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer.